गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन ने चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति ये स्टार्ट किया था, जिसमें से कार्य आपको बता दिया था लेकिन बीच में गैप काफी हो गया, तो इस वजह से आपको कार्य को मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ। ध्यान दें, हमने अब तक क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 11 कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य जिसको W से दर्शाते हैं, क्योंकि कार्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क, तो इसका संकेत होता है W। आपको ये बताया था कार्य करने का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएं और बल के कारण उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो हम कहते हैं कि इस वस्तु पर कार्य किया गया है। तो बल और विस्थापन दोनों के गुणनफल को ही हम कार्य कहते हैं, अर्थात कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। इसको W से दर्शाएं, बल को F से दर्शाते हैं और विस्थापन को S से दर्शाते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला है, वो हो गया W बराबर F इंटू S। F बल है, विस्थापन S है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये कार्य तब होता है जब बल की दिशा में विस्थापन होता है। जैसे आपने किसी वस्तु को इधर खींचा तो वो इधर ही आए, उसी दिशा में आए, तब तो कार्य ये होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था व्यापक रूप से जो कार्य का फॉर्मूला होता है वो ये नहीं होता, क्योंकि अक्सर ऐसा हमेशा नहीं होता कि आप जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में विस्थापन हो। कई बार ऐसा होता है बल तो लगाया जा रहा है किसी और दिशा में और विस्थापन हो रहा है किसी और दिशा में। जैसे ध्यान दें, एक फॉर्मूला आपने डेरिवेट किया था, ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है और इसमें इस दिशा में क्या लग रहा है, बल लग रहा है। इस विस्थापन बल के कारण इसमें विस्थापन हुआ, ये कितना s। बल और विस्थापन के बीच का ये कोण हो गया थीटा। तब कार्य क्या होगा, ये अपन को कैलकुलेट करना था, जो हमने किया भी था, दोबारा बता रहा हूं। यहां से हमने लंब डाल दिया तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में ये तो विस्थापन हो गया, बल इसमें और दिशा में लग रहा है, तो विस्थापन की दिशा में बल का घटक ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हम इसमें लेंगे आधार ज्ञात करने के लिए कोस थीटा। छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो उनमें से हमने लिया कोस थीटा क्योंकि हमें आधार ज्ञात करना है, आधार इसी में आता है। तो आधार बराबर कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा आधार में ज्ञात करना है और कर्ण है इसका एफ, तो आधार हो गया एफ कोस थीटा, अर्थात विस्थापन की दिशा में जो बल का घटक हो गया वो हो गया एफ कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करें बल इनटू विस्थापन में, तो कार्य क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर, यहां पर अब आपको लिखना पड़ेगा विस्थापन की दिशा में बल का घटक अर्थात एफ कोस थीटा इनटू विस्थापन यानी कि एस। फॉर्मूला हो जाएगा एफ एस कोस थीटा। ये इसका एक व्यापक सूत्र है कि इसका कार्य का, इससे हम इस सूत्र को भी डेरिवेट कर सकते हैं, यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये इसकी एक कंडीशन है, एक स्थिति। तो कार्य का जो मुख्य सूत्र होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा होता है, ये याद रखना। अब इसमें मैंने आपको तीन कंडीशन बताई थी कि थीटा के अलग अलग मान है, जैसे थीटा जीरो है तो कार्य क्या होगा, थीटा 90 डिग्री है तो कार्य क्या होगा, और थीटा 180 डिग्री है तो कार्य क्या होगा। तीनों स्थितियों पर हम देखें, तो देखिए
सूत्र हमने भी निकाला एफ एस कोस थीटा। स्थिति नंबर वन, थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। तो थीटा जब जीरो डिग्री होता है तो कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस जीरो। कोस जीरो का मान कितना होता है, एक। तो एफ एस इसकी जगह रख देंगे एक, तो डब्ल्यू बराबर हो गया एफ एस। अर्थात जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य होगा एफ एस। सेकेंड, थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा जब 90 डिग्री होता है तो कार्य क्या होगा, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस 90। चलो इसको रख ही लेते हैं, कोस 90 डिग्री। डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस 90 का मान आप जानते हो जीरो होता है, त्रिकोणमितीय टेबल आपने पढ़ी हुई है। तो डब्ल्यू बराबर एफ एस इंटू जीरो, और जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो हो जाता है। अर्थात इस स्थिति में कोई कार्य नहीं होगा, इसमें डब्ल्यू बराबर जीरो होगा। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, थीटा बराबर 180 डिग्री इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगी, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस 180, एफ एस माइनस 1 माइनस एफ एस। इस स्थिति में ऋणात्मक कार्य होगा, नेगेटिव वर्क। कैसा कार्य होगा, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य के आपको कई एग्जांपल भी मैंने उस दिन दिए थे कि कुएं से जब हम बाल्टी भरी हुई बाल्टी खींचते हैं पानी की तो ऋणात्मक कार्य होता है। किसी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्व बल के विरुद्ध जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होता है, और घर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य होता है वो भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये ऋणात्मक कार्य के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये टॉपिक कार्य का हम पहले भी कर चुके हैं, आज आपको इसको दोबारा से रिवाइज भी करवा दिया। अब हम आगे चलते हैं, कार्य का मात्रक। कार्य को कैसे मापा जाता है, जैसे वजन नापते हो आप, कोई भी चीज लेके लेने जाते हो मार्केट से, 5 किलो चीनी, तो किलो किलोग्राम क्या है, मात्रक है। किसका, वजन का, द्रव्यमान का। हम कहते हैं हम 100 किलोमीटर चल के आए, तो 100 किलोमीटर, ये किलोमीटर शब्द क्या है, मात्रक है। तो हर कोई भी चाहे भौतिक राशि हो उसका एक निश्चित रूप से मात्रक होगा, तो कार्य भौतिक राशि है तो इसका भी मात्रक होता है। कार्य को कैसे मापते हैं, देखिए, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। अब बल को हम जानते हैं न्यूटन में मापते हैं, और विस्थापन को मापते हैं किसमें, मीटर में। तो कार्य जो है न्यूटन इंटू मीटर, या इसको कहा जाता है जूल। क्या कहते हैं, जूल। तो एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है, एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, राइट। आप इसकी सीजीएस पद्धति में क्या करते हैं, देखिए डब्ल्यू बराबर न्यूटन इंटू मीटर। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10^5। तो न्यूटन की जगह हमने बल का दूसरा मात्रक रखा सीजीएस वाला, डाइन,
तो डाइन यानी कि 10 की घात 5 डाइन। और 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100, तो इंटू 10 की घात 2 सेंटीमीटर। W बराबर 10 की घात 5 और 10 की घात 2, ये हो गए 10 की घात 7 डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये जो डाइन इंटू सेंटीमीटर होता है इसको कहा जाता है अर्ध। अर्ध तो 1 जूल के अंदर, ये जैसे जूल है, जूल हमने इसको डिफाइन किया है, जूल लिख देते हैं यहां पर, है कार्य की मात्रक दोनों। तो आप ये कहोगे 1 जूल किसके बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ। तो एमकेएस पद्धति में तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है अर्घ। और ये जूल और अर्घ के बीच में संबंध है, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं 10 की घात 7 राइट। इस तरह से ये आपका कार्य का जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया। अब देखते हैं शक्ति क्या होती है, पावर। बीच में ऊर्जा वाला टॉपिक आएगा, ऊर्जा वाला टॉपिक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस साल पाठ्यक्रम से हटा दिया है। तो ऊर्जा, ऊर्जा के विभिन्न रूप, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, CFL, LED, ये सारे के सारे टॉपिक जो ऊर्जा संबंधित है ये पाठ्यक्रम में से कम कर दिए गए, हटा दिए गए, तो इनको आपको नहीं पढ़ना है। कार्य के बाद में दूसरा टॉपिक ऊर्जा था जो हटा दिया, अब तीसरा टॉपिक आता है शक्ति। तो इस चैप्टर के अंदर कार्य और शक्ति इनके बारे में आपको अध्ययन करना है, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे एग्जाम के अंदर। तो देखिए शक्ति यानी कि पावर, शक्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ये नॉर्मल शक्ति की बात, भाई कार्य संपन्न होता है तो कार्य संपन्न करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, बिना शक्ति के कोई भी कार्य हो नहीं सकता। तो शक्ति जो है वो क्या है, कार्य करने की दर, उसको शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति को पी से इंडिकेट करते हैं क्योंकि पी मतलब पावर, तो पावर से लिया गया पी। तो शक्ति यानी कि पी, कार्य यानी कि डब्लू, समय यानी कि टी। तो कार्य का, शक्ति का सूत्र हो गया पी बराबर डब्लू बटे टी। और मात्रक क्या होता है, देखो कार्य का मात्रक, कार्य को हम जूल में दर्शाते हैं, एमकेएस पद्धति में अभी बताया था, समय को सेकंड में दर्शाते हैं। तो जूल प्रति सेकंड ओब्लिगेस बटा प्रति, प्रति बोलते हैं इसको। तो जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही कहा जाता है वाट। क्या कहते हैं, वाट। तो शक्ति का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वाट होता है। जेम्स वाट जो भाप इंजन के आविष्कार करता थे, तो जेम्स वाट के सम्मान में शक्ति का मात्रक लिया गया वाट। जेम्स वाट ने सबसे पहला भाप इंजन बनाया था जिसे ट्रेन चलती थी, ठीक है। आज ही सैंपलिंग के तौर पर जो फेरी क्वीन चलती है वो भाप इंजन से चलती है। तो ये जो जेम्स वाट के सम्मान में संकेत लिया गया इसका वाट। तो शक्ति का सबसे छोटा, सबसे मान्य जो मात्रक है वो है वाट। इसके अलावा जब शक्ति ज्यादा मात्रा में होती है, बड़े मात्रक जो इसके होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आपको जानना है। देखिए
देखिए शक्ति के अन्य मात्रक, पहला तो हमने देखा वाट, दूसरा जो होता है किलोवाट, किलोवाट के डब्ल्यू, वाट को तो हम दर्शाते हैं डब्ल्यू से और किलोवाट को दर्शाते हैं के डब्ल्यू से। और एक बात और ध्यान रखना, एक किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है? 10^3 वाट के बराबर होता है। किलो का मतलब ही 1000 होता है, ठीक है? तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? 10^3 वाट के बराबर होता है, राइट? नंबर 3, एक और होता है हॉर्स पावर, जिसको कहते हैं अश्व शक्ति। हॉर्स मतलब घोड़ा, घोड़े का एक पर्यायवाची अश्व भी होता है, अश्व शक्ति भी इसका मात्रक होता है। घरों में हम जो विद्युत मोटर काम में लेते हैं, जो पानी खींचती है, उसकी आप पावर देखोगे तो लिखा होगा 0.5 HP, 1 HP, 1.5 HP, 2 HP। तो HP एक्चुअल में क्या होता है? H मतलब हॉर्स, P मतलब पावर, हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति होता है। तो अश्व शक्ति HP कहते हैं इसको। और एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 1 HP इज इक्वल टू 746 वाट। ये ध्यान रखना है भाई, ये आपस में जो रिलेशन है ना, बड़े मात्रकों का छोटे मात्रक, जो मेन मात्रक है इसका वाट, आपको ध्यान रखना है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं, ठीक है? अब जो सबसे बड़ा मात्रक होता है शक्ति का, उसे कहते हैं हम मेगावाट। क्या कहते हैं? मेगावाट, MW, मेगावाट। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10^6 वाट। यह सबसे बड़ा मात्रक होता है जहां पर बिजली उत्पादन होता है, वहां पर विद्युत शक्ति को मेगावाट में मापा जाता है। आप अखबारों में पढ़ते हो, जनरल नॉलेज की किताबों में पढ़ते हो कि इस जगह पर इतने मेगावाट का संयंत्र लगाया गया, इस जगह पर इतने मेगावाट का परमाणु संयंत्र लगाया गया। तो मेगावाट सबसे बड़ा मात्रक होता है किसका? शक्ति का। तो इस तरह से ये शक्ति के मात्रक हो गए। एमकेएस पद्धति में मुख्य मात्रक वाट, जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया। उससे बड़ा मात्रक अश्व शक्ति होता है हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। फिर किलोवाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। और फिर मेगावाट होता है, 1 मेगावाट में 10^6 वाट, ठीक है? इस तरह से ये शक्ति वाला टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है? यहां तक आपको ध्यान से समझना भी है, वीडियो को देखना है, ठीक है? धन्यवाद।